ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में हम लोग कौन से कौन से फार्मूलाज कवर करने वाले हैं वो देखते हैं फर्स्ट है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज नेक्स्ट है टैंजेंट आइडेंटिटीज़ पाइथोग आइडेंटिटीज सम डिफ्रेंसेस फार्मूलास सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज प्रोडक्ट टू सम फार्मूलाज डबल एंगल फार्मूलाज हाफ एंगल फार्मूलाज इवन एंड ऑर्ड आइडेंटिटीज नेक्स्ट है लॉ ऑफ साइंस नेक्स्ट है लॉ ऑफ कोसाइंस और फाइनल है एलियड एंगल्स और मल्टीपल एंगल्स ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे डिटेल में और इन सारे फॉर्मूलाज को याद कैसे रखते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में टोटल सिक्स फॉमूलाज है हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है साइन टीटा सेकेंड है कॉस्टिटा और थर्ड है टैन टीटा साइन टीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन कोसेक टीटा कॉस्टिटा का फॉर्मूला है वन अपॉन सेक टीटा टैन टीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन कॉट टीटा फोर्थ है कोसेक टीटा इसका फॉर्मूला है वन अपॉन साइन टीटा फिफ्थ है सेक टीटा सेक टीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन कॉस टीटा और फाइनल फॉर्मूला है कॉट टीटा कॉट टीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन टैन टीटा अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन टीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन कोशेक टीटा वही कोशेक टीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन साइन टीटा यानी ये दोनों साइन और कोशेक ये दोनों इंटरचेंजेबल है वैसे ही कॉस और सेक भी इंटरचेंजेबल है और टैन और cot भी इंटरचेंजेबल है यह है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज नेक्स्ट है टैनजेंट आइडेंटिटीज़ टैनजेंट आइडेंटिटीज में फर्स्ट फार्मूला है टैन टीटा इक्वल टू साइन टीटा अपॉन कॉस्ट टीटा और सेकेंड है cot टीटा इक्वल टू कॉस्ट टीटा अपॉन साइन टीटा नेक्स्ट है स्पाइथोग्रेन आइडेंटिटीज पाइथोग्रेन आइडेंटिटीज में फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वर टीटा प्लस कॉस्क्वाय टीटा इक्वल टू वन सेकेंड है वन प्लस टैन स्क्वाय डीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टीटा और थर्ड है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो कोसेक्स स्क्वायेर टीटा नेक्स्ट है सम डिफ्रेंसेस फॉर्मूलाज डिफरेंस फॉर्मूलाज में फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू तो साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी अभी इसको याद कैसे रखते हैं साइन एक ऐसा फ्रेंड है जो सबके साथ फ्रेंडशिप करता है और सबके साथ मिलजुल के रहता है अगर वो साइंस वाला है तो वो कॉमर्स वालों के साथ भी फ्रेंडशिप करेगा इसलिए साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी और इधर प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर भी प्लस आएगा क्योंकि साइन जेनुअन फंक्शन है नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा क्योंकि साइन जेनुअन है और सबके साथ फ्रेंडशिप करता है इसलिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वही अभी कॉस ए प्लस बी कॉस एक फ्रॉड इंसान है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ ही दोस्ती करता है और ग्रुप में रहता है कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स वाले के साथ ही रहेगा साइंस वाला है तो साइंस वाले के साथ ही रहेगा और वो फ्रॉड है इसलिए प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आएगा इसका फॉर्मूला है कॉस कौस ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी वैसे ही कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में प्लस आएगा आपकी रिविजन के लिए इन सारे फॉर्मूलाज की एक पी फाइल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कूपन है लिमिटेड फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के लिए वीडियो कंप्लीट देखने के बाद शीट डाउनलोड जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें नेक्स्ट है टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है tan ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए टेन बी अभी इसको याद कैसे रखेंगे अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस आएगा अपोजिट आएगा ऐसा इसको याद रखना है और नेक्स्ट है टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी का फार्मूला है टैन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस आएगा ऐसे इसको याद रखेंगे नेक्स्ट है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज या फिर इसको फैक्टराइजेशन वाले फार्मूलाज भी बोलते हैं या हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसको सी एंड डी फार्मूलाज भी बोलते हैं इसमें चार फार्मूलाज है फर्स्ट है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इन कॉस सी माइनस डी अपॉन टू नेक्स्ट है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू और लास्ट वाला है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन टू अभी यह फॉर्मूलाज में ये फोर्थ वाला फॉर्मूला ही थोड़ा अटपटा है इसमें माइनस आता है न तो ये बाकी सारे फार्मूलाज में इधर भी सी प्लस डी अपॉन टू ये चारों फार्मूला में और ये सेट सी माइनस डी अपॉन टू आता है बस ये लास्ट वाले फार्मूलाज में माइनस टू आता है वो थोड़ा सा अटपट है इसको अच्छे से यहाँ याद करना है क्योंकि ये फार्मूलाज हम लोग को इंटीग्रेशन और डेरेवेटिव दोनों में लगने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज या फिर डी फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूलाज फर्स्ट है टू साइन ए कॉस बी इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी नेक्स्ट है टू कॉस ए साइन बी यह है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी नेक्स्ट है टू कॉस ए cos बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और लास्ट है टू साइन ए साइन बी यह है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ये भी फॉर्मूलाज हम लोग को डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूजफुल है नेक्स्ट है डबल एंगल फार्मूलाज डबल एंगल फॉर्मूलाज में फर्स्ट है साइन टू टीटा साइन टू टीटा का फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस है साइन टू टीटा का और एक फॉर्मूला है वह टू टैन है अपन वन प्लस टैन स्क्वायर है नेक्स्ट है कॉस टू है कॉस टू ए का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायेर है कॉस टू ए के और भी फॉर्मूलाज है वो अपने को यूजफुल है फर्स्ट है वन माइनस टू स्क्वायर है सेकेंड है टू कॉस स्क्वायर है माइनस वन और लास्ट है वन माइनस टैन स्क्वायेर है अपन वन प्लस टैन स्क्वेयर है कॉस्ट टू ए के ये चारों फॉर्मूले बहुत यूजफुल है और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सॉल्व करने टाइम ये चारों फार्मूले और इसके मॉडिफिकेशन हम लोग को यूज़ करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट है टैन टू है टैन टू ए का फार्मूला है टू टैन ए अपन वन माइनस टैन स्क्वेयर है नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल फार्मूलाज ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज में फर्स्ट है साइन थ्री टीटा या फिर साइन थ्री ए साइन थ्री ए का फॉर्मूला है थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है अभी इसको याद कैसे रखेंगे साइन थ्री है ये थ्री हम लोग बाहर निकालेंगे तो ऐसे इसको याद रखेंगे थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है अभी इसका ही उल्टा कॉस थ्री ए का फार्मूला है कॉस थ्री है फोर कॉस क्यूब है माइनस थ्री कॉस यहाँ पे फोर साइन आया था तो कॉस में हम लोग ले फोर कॉस क्यूब है और यहाँ पे थ्री साइन ए था तो हम लोग लेके माइनस थ्री कॉस है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे फार्मूलास है नेक्स्ट है टैन थ्री ए ट्री ए का फॉर्मूला है थ्री टैन ए माइनस टैन क्यूब ए अपन वन माइनस थ्री टैन स्क्वेयर है लेकिन ये टैन थ्री ए का फार्मूला हम लोग को समझ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए अगर इसको प्रिपेयर नहीं किया तो भी चलेगा नेक्स्ट है हाफ एंगल फार्मूलाज हाफ एंगल फार्मूलाज में फर्स्ट है साइन टीटा बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस थ्री टू अभी ये फॉर्मूला आया खास से यह फार्मूला आया डबल एंगल के फॉर्मूला में डबल एंगल में हम लोग के पास एक फॉर्मूला हुआ करता था कॉस टू है इक्वल टू वन माइनस टू साइंस स्क्वायर है अभी उस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हम लोग लेके गए टू साइंस स्क्वायर है इक्वल टू वन माइनस कॉस टू है फिर अभी हम लोग इस टू को नीचे लेके आएंगे फिर वो बनेगा साइंस स्क्वायेर इक्वल टू वन माइनस कॉस टू है अपॉन टू अभी साइन स्क्वेयर है अभी इसको सिर्फ साइन ए में लेके गए तो हम लोग लेके गए साइन ए इक्वल टू अंडरवुड वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू अभी अपने को क्या करना है जो लेफ्ट हैंड साइड पर साइन ए है उसको हाफ एंगल करना है मतलब जो भी इसकी डिग्री वैल्यू है उसको हाफ करना है हम लोग साइन ए बाय टू करेंगे और राइट right साइड में भी वैसा ही करना है फिर वो बनेगा वन माइनस कॉस ए बाय टू अपॉन टू तो ऐसे बना साइन टीटा बाय टू का फॉर्मूला साइन टीटा बाय टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस्ट टीटा अपॉन टू नेक्स्ट है कॉस्ट टीटा बाय टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस्ट टीटा अपॉन टू और लास्ट है टैन टीटा बाय टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस्ट टीटा अपॉन वन प्लस कॉस्ट टीटा नेक्स्ट है इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज में फर्स्ट फॉर्मेला है साइन ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस साइन इसका मतलब अगर माइनस थीटा लिखा तो ये माइनस साइन बाहर आता है माइनस साइन थीटा बनेगा नेक्स्ट है कोसेक ऑफ माइनस थीटा वो भी वैसे ही बनेगा माइनस कोसेक थीटा। थर्ड है टैन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। फोर्थ है कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। फिफ्थ होमला है कॉस ऑफ माइनस टीटा इक्वल टू कॉस अभी ये थोड़ा सा उल्टा है अगर माइनस आया कॉस में तो वो पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा वो प्लस बनेगा और इसका रेसिप्रोकल है सेक ऑफ माइनस टीटा वो है सेक टीटा इसमें भी इसका मतलब जो कॉस का रेसिप्रोकल है कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो वो दोनों पॉजिटिव है और जो बाकी के फंक्शंस थे साइन का रेसिप्रोकल कॉ वो भी नेगेटिव टैन का रेसिप्रोकल कॉट ये दोनों नेगेटिव तो सिर्फ कॉस ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट है लॉ ऑफ साइंस लॉ ऑफ साइंस का फॉर्मूलास लिखने के लिए हम लोग एक ट्रैंगल ड्रॉ करेंगे इस ट्राइंगल के एक साइड पर हम लोग नेम करेंगे ए और इसका अपोजिट साइड है ये वाला इस अपोजिट साइड को हम लोग नेम करेंगे स्मॉल ए हम लोग फार्मूला लिखेंगे ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए नेक्स्ट है बी इसका अपोजिट साइड है ये वाला इस अपोजिट साइड को हम लोग नेम करेंगे स्मॉल बी इसका फार्मूला लिखेंगे बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी नेक्स्ट है सी इस सी का अपोजिट साइड है ये वाला इस अपोजिट साइड को हम लोग नेम करेंगे स्मॉल सी और इसका फार्मूला लिखेंगे c अपॉन साइन ऑफ एंगल c ये है अपने लॉ ऑफ साइंस के फॉर्मूलेस ये फार्मूलैस अपने को हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स में लगते हैं नेक्स्ट है लॉ ऑफ कोसाइंस लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए भी हम लोग वही ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी अभी इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं यहाँ पे कॉस ए है तो सबसे फर्स्ट माइनस ए स्क्वायर लिखेगी और जो कौन से बचे फिर बचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो लिखेंगे और ये दोनों ही नीचे लिखेंगे गए अपॉन टू बी सी वैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस बी अभी कॉस बी यहाँ पे है मतलब यहाँ पे सबसे फर्स्ट माइनस बी स्क्वायर लिखे गए और कौन से टर्म्स बचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखे और नीचे प्लस टू ए सी नेक्स्ट है कॉस सी वैसे ही कॉस सी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे और टर्म्स बचे ए और बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे और नीचे आएगा टू ए बी ये अपने लॉ ऑफ कोसाइन फाइनल है अपना एलियड एंगल्स और मल्टीपल एंगल्स एलियड एंगल्स और मल्टीपल एंगल्स खुद एक बड़ा टॉपिक है अभी इसमें उसमें बहुत सारे फार्मूलैस है लेकिन उस फार्मूला में से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूल्स मैंने लिए हैं अभी वो फार्मूलैस देखते हैं फर्स्ट है साइन फाइव बाई टू माइनस टीटा इक्वल टू कॉस्ट सीटा यानी साइन नाइनटी माइनस टीटा इक्वल टू कॉस्ट सीटा सेकेंड है कॉस 90 माइनस टीटा इक्वल टू साइन डीटा थर्ड है टेन पाई बाई टू माइनस ट्रीटा इक्वल टू कॉट टीटा फोर्थ है सेक ऑफ पाई बाई टू माइनस ट्रीटा इक्वल टू कोसेक टीटा फिफ्थ है कोसेक ऑफ 90 माइनस टीटा इक्वल टू सेक टीटा और सिक्स्थ है कॉट ऑफ पाई बाय टू माइनस टीटा इक्वल टू टीटा एंगल में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले नहीं है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं वैसे ही चार क्वाड्रेंट है और ऐसे फॉर्मूले अपने को याद नहीं करने पड़ेंगे अगर अपने को ट्रिक आती है तो वो ट्रिक कहाँ है अगर नॉर्मली सब कुछ आता है अपना एलेड एंगल का तो फॉर्मुल लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं वीडियो आई बटन में मिल जाएगी एलेड एंगल का कंप्लीट कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है तो ऐसा याद नहीं रखना पड़ेगा सिर्फ आपको दिया जाएगा साइन 90 माइनस टीटा अपने आप आपको आ जाएगा कॉस टीटा सिर्फ क्वाड्रेंट देख के एलेड एंगल सॉल्व करते हैं